दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर अगर कोई सच्ची दोस्ती निभा रहा है तो वो मनीषा रानी और फुकरा इंसान है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती को फैंस सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि घर के अंदर इसके अलावा और कोई भी फ्रेंडशिप देखने को ही नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में फुकरा इंसान यहाँ पर मनीषा रानी की बात को सुनकर काफ़ी इमोशनल हो गए। दरअसल दोस्तों पहले तो दोनों एक दूसरे के साथ जमकर मस्ती कर रहे थे, लेकिन इसी बीच यहाँ पर मनीषा रानी ने अपनी कहानी फुकरा इंसान को बताई। मनीषा रानी ने बताया कि वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई है और उसके घर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी और अभी भी कुछ खास ठीक हो नहीं पाई है। वो इतना कमाती है जितना उसका मुंबई में रहते हुए खर्च भी हो जाता है, लेकिन उसको अपना घर बनवाना है, अपने भाई की लाइफ सेट करनी है, उसको कोई बिजनेस शुरू करवाना है क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करता है, और उनको अपने मम्मी पापा के लिए गाड़ी लेनी है। यहाँ पर दोस्तों मनीषा की ये सारी बातें सुनकर फुकरा इंसान काफ़ी भावुक हो गए और फुकरा इंसान ने भी कहा कि तू चिंता मत कर, बिग बॉस के बाद देखना तू कितनी पॉपुलर होती है और तुझे खूब कमाई मिलेगी। वहीं दोस्तों फुकरा इंसान ने भी कहा कि यार पहले मैं अलग वीडियोज़ बनाता था, लेकिन आजकल मैं भी जो वीडियोज़ बनाता हूँ उसमें मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में लोगों की हेल्प करता हूँ क्योंकि मुझे भी किसी की हेल्प करना काफ़ी अच्छा लगता है। ये सुनकर यहाँ पर मनीषा ने भी फुकरा इंसान की जमकर तारीफ की। लेकिन दोस्तों जो कुछ भी हो, वाकई इन दोनों की दोस्ती सच्ची है और दिनों दिन इन दोनों की जो दोस्ती है वो काफ़ी गहरी होती जा रही है। भले ही दोस्तों बीच में बिग बॉस ने इन दोनों को अलग अलग टीम में करके दोनों की दोस्ती में दरार लाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद दोनों की दोस्ती पर एक आने का भी फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल आपको इन दोनों की ये दोस्ती कैसे लगती है, इनकी बॉन्डिंग कैसे लगती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।